कभी भी परमात्मा का भजन ना किया हो, कभी सत्कर्म ना किया हो, तो उसे कहाँ जाना चाहिए? उसको किस जगह स्थान मिलता है? नरकों में मिलता है या स्वर्ग में मिलता है? आज श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, उसे नरकों में स्थान मिलता है और नरकों में बहुत कष्ट होता है। तब वो प्राणी कहता है, प्रभु बस एक चांस दे दो, बस एक मुझे मौका दे दो, और वो मौका मुझे दे दीजिए, अब मैं दोबारा ऐसा कार्य करूंगा नहीं। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि हे राजन, कहते हैं ब्राह्मण के छह कर्म हैं, ब्राह्मण के छह कर्म हैं, अध्यानम अध्यापनम याजनम व्याभिजनम। आज महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मण के छह कर्म हैं, और वो छह कर्म क्या हैं? विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और दान देना और दान लेना, ये छह कर्म है ब्राह्मण। लेकिन अगर ये कर्म ना करें, ये कर्म ना करें, तो नरक के द्वार उसके लिए स्वतः ही खुले रहते। आज महाराज परीक्षित कह रहे हैं, महाराज ये बताइए कि ऐसी कोई कथा है, कृपा करके बताइए, जिसने अपने धर्म का विनाश कर दिया हो, जैसा कि आपने बताया ब्राह्मण के क्षेत्र में, कृपा करके बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, एक अजामिल नाम का व्यक्ति है, बड़े ही पूजा पाठ, बड़ा ही ज्ञानी है, पूजा पाठ करता है सब जीवन में। अजामिल का मतलब है अजामिल जो माया में उलझ गया हो, माला माया में बिद गया हो, उसका नाम है अजामिल। आधन माया, वो अजामिल माया में जो प्रवेश कर चुका हो। अजामिल बहुत ही बड़े अच्छे घर से, अच्छे कुल से थे, लेकिन क्या हुआ, एक दिन पिताजी ने भेजा भिक्षा लेने के लिए, पुष्प लेने के लिए। आज अजामिल पुष्प लेने के लिए पहुंचे, विवाह हो चुका था। अजामिल का विवाह हो जाने के बाद क्या हुआ कि जब अजामिल भिक्षा लेने के लिए पहुंचे, तो रास्ते में वैश्याओं को देखा नृत्य करते हुए, कि वैश्या नाच रही है। अब अजामिल का मन लग गया, जब अजामिल का मन लग गया तो वो रोज कार्य करने के लिए जाते हैं, लेकिन रोज नाच देख रहे। मन में विचार करने लगे, अगर इनके साथ मेरा विवाह हो जाए तो कितना बढ़िया रहे, कितनी सुंदर है। अजामिल माया में बीत चुका है। के बाद काफी समय बीतने के बाद जब ये बात पता चली अजामिल के पिताजी को, तो अजामिल के पिताजी ने घर से निकल दी कि पत्नी के होते हुए भी किसी दूसरी नारी के लिए सोचा, और जो पत्नी होते हुए भी जो पुरुष दूसरी पत्नी के विषय में सोचता है, तो महाराज इस घर का कल्याण होने वाला नहीं है, सब बिगड़ जाएगा, वैभव धन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आज अजामिल वैश्या के साथ रहने लगा, और एक समय संत भगवान प्रभु का स्मरण करते हुए उसी नगर में प्रवेश किए जहाँ पर अजामिल रहा करते थे। अब रात्रि का समय था, अब संत भगवान ने किसी से पूछा, महाराज यहाँ पर कोई अगर व्यवस्था हो तो काम बन जाए, क्योंकि अगर कोई व्यवस्था हो रुकने की तो बढ़िया रहेगा, रात्रि व्यतीत हो जाए, सुबह तो चले ही जाएंगे। किसी भक्त ने हंसने में ही कह दिया, हंसी हंसी में, महाराज हाँ एक भक्त है अजामिल, आप उनके यहाँ चले जाइए और उनकी सेवा, उनके जो पत्नी वो बढ़िया सेवा करे। आज संत भगवान जैसे प्रभु को स्मरण करते हुए अजामिल के यहाँ पहुंचे। अजामिल उस समय नहीं था,
पत्नी थी जो वैश्या थी कुछ समय पहले, और अजामिल ने वरण कर लिया था, विवाह कर लिया था। और जब विवाह कर लिया तो आज वही वैश्या ने संत भगवान को देखा। अब मन में विचार करने लगी कि एक वैश्या के यहाँ एक संत भगवान का आगमन हुआ। उस समय अजामिल की पत्नी गर्भवती थी, संत भगवान ने देखा, अगर रहे देवी यहाँ पर थोड़ा रात्रि कर जाए, भोजन प्रसाद मिल जाए तो काम चल जाएगा। कि नहीं महाराज, बहुत बड़ी कृपा की है, आप यहीं पर रुक सकते हैं, चिंता मत कीजिए। आज रात्रि में अजामिल की पत्नी जो वैश्या थी कुछ समय पहले, आज बड़ा ही सुंदर भोजन बनाया, और बनाने के बाद संत भगवान खिला रही है। जब खिलाना प्रारंभ किया, अजामिल आया गांव से नगर से घूम करके, देखा पत्नी से कह रहा, अरे ये बताओ कि मैं इतनी मेहनत से धन कमाता हूँ, तुम ऐसे बर्बाद कर रही हो। आज संत भगवान सब कुछ बिता समझ गए, जब समझे अब सोच रहे हैं कि हमने इनका अन्न खाया है तो हम भी पापी के भागीदार बने हैं महाराज, इसलिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। आज संत भगवान जब सुबह जाने के लिए तैयार हुए, तो जब तैयार हुए तो आज अजामिल से कह रहे हैं कि बेटा, वैसे तुमने मुझे भोजन कराया है या तुम्हारी पत्नी ने कराया, बात एक ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तुम्हें कुछ दें इसके बदले। अजामिल महाराज कह रहे, महाराज क्या दोगे, कुछ नहीं चाहिए हमको, क्योंकि अजामिल के 9 पुत्र हैं, 10वां गर्भ में है। आज संत भगवान की कृपा हो रही है, संत भगवान कह रहे हैं, अरे बेटा अजामिल, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अगर 10वां पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख दे, क्योंकि मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, मैंने तुम्हारा भोजन किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मुझे कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। अजामिल कह रहा, मैं नाम क्यों रखूं, मेरी संतान है, जो मनाएगा वो रखूंगा। इना अजामिल की पत्नी जो वैश्या थी आज कह रही, महाराज आप चिंता मत कीजिए, जैसा आपने कहा था, मैं अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दूं। आज चंद भगवान आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं। समय आया, अजामिल का 10वां पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा नारायण। और जब नारायण रखा तो कहते हैं जो संसार में आया उसे के लिए दिन अवश्य जाना पड़ता है। अब अजामिल ने जीवन में जब से वैश्या कभी हुआ, कभी भक्ति पूजा पाठ कुछ किया नहीं, और जब कुछ किया नहीं तो आज यमराज के दूत खड़े हुए हैं फरसा लेकर के अजामिल को लेने के लिए। आज अजामिल भयभीत होकर के पुकार रहा है, नारायण नारायण, क्योंकि माता पिता की जो सबसे छोटी संतान होती है ना, तो उसको हर वक्त माता पिता बुलाते हैं। आज प्रेम से नारायण को पुकार रहे हैं, नारायण तुम कहाँ हो, नारायण तुम आ जाओ, देखो ये मुझे मारने के लिए खड़े हुए हैं। और आज जैसे ही नारायण को पुकारा, आज श्री नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया। और आज जब पार्षदों को भेजा, पार्षद कह रहे हैं, महाराज की दूत तुम सीधे चले जाओ। अरे महाराज आपको पता है ये भगवान को नहीं, पुत्र को बुला रहे हैं। नहीं, ये भगवान को बुला रहे हैं, क्योंकि अगर प्रेम भाव से कोई व्यक्ति परमात्मा को पुकारता है तो भगवान जरूर सुन लेते हैं। आज अजामिल भगवान को नहीं, परमात्मा को नहीं, अपने पुत्र को पुकार रहा है। इन भगवान को लगा कि मुझे पुकार रहा है। आज भगवान ने अपने पार्षदों से कह दिया है कि उनसे मना करो जाके। उसी समय यमराज के दूत छोड़ करके चले जाते हैं अजामिल को। आज अजामिल गंगा के तट में बैठ करके भगवान की भक्ति कर रहा है, और भक्ति हो जाने के बाद आज प्रभु के गुणानुवाद चर्चों में भगवान के भक्ति में लीन होकर के भगवान के पार्षदों में मिल जाता है। जिसने जीवन में कभी भी भगवान का भजन ना किया, उसने अपने पुत्र को याद करके उसके सारे पाप मिट गए।
बोलिए भक्ति वैष्णव भगवान की। इसी प्रकार से